हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अतुल कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूरोकाइन प्लस एनएफ इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, जैसे कि हमारा न्यूरोकाइन प्लस एनएफ इंजेक्शन रखा हुआ है और ये हमारा WHO GMP द्वारा प्रमाणित है और इससे हमारी डिस्कवरी मैनकाइंड कंपनी बनाती है, जो कि बहुत ही ब्रांडेड कंपनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपकी नज़र डालेंगे कि मिको इसकी कंपोजिशन के बारे में। तो दोस्तों, इसकी कंपोजिशन है मिकोवालामिन पाइरोक्सिन SCM एंड निकोटिनामाइड इंजेक्शन। तो सबसे पहले बता दें, इसमें जो है हमारा मिकोवालामिन 1500 mg दिया होता है, प्रोक्टिजन 100 mg एंड निकोटिनामाइड 100 mg एंड बेंजाइड एल्कोहल 2% दिया होता है। दोस्तों, इस इंजेक्शन का उपयोग हम उन व्यक्तियों में करते हैं जिनको कमजोरी का एहसास होता है। दोस्तों, इस इंजेक्शन का उन परिस्थितियों में उपयोग करते हैं जब किसी व्यक्ति को कमजोरी, घबराहट, चक्कर आना, जब कोई व्यक्ति बैठा हो और खड़ा होता है तो उसके आंखों के सामने जो अंधेरा चल जाता है, उन परिस्थितियों में हम इसका उपयोग करते हैं। इस इंजेक्शन का उपयोग हम बड़े और बुजुर्गों दोनों में कर सकते हैं। ये हमारा न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन का उपयोग हुआ और ये हमारा फॉर IM और IV हम इसे दोनों यूज कर सकते हैं। दोस्तों, IM और IV यूज करने का इसमें कुछ अंतर देते हैं, जैसे कि अगर हम ज़्यादा कमज़ोर व्यक्ति है उसे हम IV यूज देते हैं तो उसको जो है चक्कर आ जाएगा, पेट में दर्द होने लगेगा। अगर कोई हेल्दी व्यक्ति है उसे हम IV देते हैं, और जैसे कि कोई हेल्दी व्यक्ति है और उसे हम IV देते हैं तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति है तो उसे हम IM ही देंगे। अगर उसे हम IV देते हैं तो उसे जो है पेट में दर्द होने लगेगा और उसको चक्कर आ जाएगा और वो गिर भी सकता है। तो इसलिए हम कमज़ोर व्यक्ति है उसे हम IM देंगे और जो हेल्दी है उसे हम IV दे सकते हैं। और इंजेक्शन बहुत ही सेफ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारा WHO GMP द्वारा प्रमाणित हमारा इंजेक्शन है, उससे बहुत ही ब्रांडेड कंपनी बनाती है। तो दोस्तों, इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे कमेंट करें और मेरी वीडियो को लाइक करें।